विवाह का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कपिलनगर थाने में मामला दर्ज हुआ। इस घटना से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जरा भी देरी नहीं की और 24 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। आरोपी अक्षय ठाकरे बताया गया। अक्षय परिवीक्षाधीन अधिकारी है, फिलहाल प्रोबेशन में और हुड़केश्वर थाने में तैनाती है। 24 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। वह निजी संस्थान में बतौर मैनेजर काम करती है। करीब 8 महीने पहले अक्षय और पीड़िता की इंस्टाग्राम पर पहचान हुई। दोनों में बातचीत चल रही थी और दोस्ती को प्रेम संबंधों में बदलते देर नहीं लगी। अक्षय ने विवाह का भरोसा दिलाकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच युवती गर्भवती हो गई। उसने अक्षय पर विवाह के लिए दबाव डाला तो वह साफ मुकर गया। दोनों के बीच विवाद भी हुआ। जी पीड़िता है, पीड़िताची ओळख आरोपी सोबत इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून झालेली आहे। इंस्टाग्राम वरून आरोपीने पीडितेला रिक्वेस्ट पाठवली, त्यानंतर त्यांच्यात ओळखून मग प्रत्यक्षामध्ये ते भेटायला लागले, प्रेमात रूपांतरून मग त्यांच्यात शारीरिक संबंध झालेत वारंवार। आरोपी हा प्रत्येक वेळेस तिला तेच सांगायचं की आपण दोघं लग्न करू, आणि असं न झाल्यामुळे मग पीडितेने पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिलेली आहे त्याबाबत, आणि त्यावरून गुन्हा दाखल केलेला आहे आम्ही। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।